सो बिजनेस या जॉब कौन सा ज़्यादा अच्छा है, राइट? सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ कि कौन सा अच्छा है, बिजनेस अच्छी है या जॉब अच्छी है। वो आपको आप बताने वाले हैं मेरे को कि बिजनेस ज़्यादा अच्छा है या जॉब ज़्यादा अच्छा है, या कौन सा बेटर है, दोनों बेटर है या बिजनेस बेटर है या सिर्फ जॉब बेटर है। सो आप कहीं भागिए मत, मैं डेफिनेटली इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, बिजनेस बेटर है या जॉब बेटर है। सो अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड, टेक एंड गैजेट्स रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं। सो काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हो, राइट? सो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप वर्कहॉलिक है क्या? आपको ज़्यादा काम करना पसंद है क्या? आप 10, 12, 15, 14, 20 आवर्स जितना भी हो आप काम कर सकते हैं क्या? आप कुछ अलग करना चाहते हैं दूसरे किसी से? सो अगर ये आंसर येस है, अगर आप क्या आप रिक्स लेना चाहते हैं, तो अगर ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको पूछा, अगर इसका आंसर येस है सो डेफिनेटली आपको बिजनेस करनी चाहिए। अगर नो है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको बिजनेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हैं, जितनी अच्छी साउंड होती है कि बिजनेस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रॉफिट होती है, उतना रिक्स भी होती है। उतना रिक्स इन द सेंस, अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो कोई रिक्स नहीं है, लेकिन उतना थोड़ा रिक्स होता है। उसमें आपको ज़्यादा डिवोट होनी पड़ती है बिजनेस में, एंड आपको काफ़ी काम करनी पड़ती है, राइट? सो जितना इजी साउंड होता है उतना इजी नहीं है। सो अगर वर्कहॉलिक है आप, अगर आप कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, दूसरे किसी से अलग करना चाहते हैं, अगर आप रिक्स लेना चाहते हैं, तो आपका आंसर आपने खुद दे दिया कि आपको डेफिनेटली बिजनेस करनी चाहिए। अब आते हैं जॉब के बारे में, राइट? सो जॉब किसे करना चाहते हैं? फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपको सिक्योर लाइफ चाहिए? क्या आपको सेफ लाइफ चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्क आप करें? वैसे अभी जॉब में भी काफ़ी वर्क प्रेशर होती है, ऐसा नहीं है। तो अभी ऐसा मैंने सुना है कि काफ़ी जो एम्प्लॉई से जॉब छोड़ के बिजनेस कर रही है ड्यू टू लोड वर्क प्रेशर। सो इन जनरल हम लोग पकड़ रहे हैं कि 8-9 आवर्स आपको ड्यूटी, आपको जॉब करनी पड़ेगी, आपको डेली रूटीन करनी पड़ेगी। सो आपसे मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आपको रूटीन लाइफ पसंद है? क्या आप चाहते हैं सिक्योर एंड सेफ लाइफ चाहिए? आपको बैलेंस लाइफ चाहिए? सो अगर इस जो ये तीनों सवाल, तीन चार सवाल का आंसर अगर येस है, सो आपको डेफिनेटली आप जॉब में जा सकते हो, राइट? अगर इसका सवाल आप नो है, सो आप डेफिनेटली बिजनेस कर सकते हैं। एंड अगर दोनों फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट मैंने तीनों क्वेश्चन पूछा एंड अभी जो मैंने तीनों क्वेश्चन पूछा, दोनों अगर नो है तो मेरे को नहीं पता आपको क्या करनी चाहिए, राइट? तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड है, आप किस टाइप का लाइफस्टाइल में लीड करना चाहते हैं, आप किस टाइप का लाइफस्टाइल में जाना चाहते हैं। सो ये टोटली डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल में, आप किस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हैं, किस तरह का लाइफ लीड करना चाहते हैं। आप क्या छोटी छोटी जो आप इनकम करते हैं उससे आप संतुष्ट हैं, या आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं? सो आपका लाइफस्टाइल हिसाब से आप जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है। और एक जो क्वेश्चन निकल के आ रही है वो है कि ज़्यादा जो पब्लिक है, ज़्यादा जो आम इंसान है, वो जॉब क्यों प्रिफर करती है बिजनेस से, राइट? व्हाई मोस्ट पीपल चूज जॉब ओवर बिजनेस? जॉब बिजनेस से ज़्यादा जॉब को क्यों प्रिफर करती है, राइट? सो इसका आंसर आप लोगों को पता है कि मेरे को देने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो मैं आपको बताता हूँ कि जॉब में क्या है कि हम लोग जो भारत है, इंडिया में है, जॉब को काफ़ी महत्वपूर्ण दिया जाता है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू बिजनेस। सो जॉब में होता क्या है, सिक्योर लाइफ होती है, एक सेफ लाइफ होती है, रिस्क फ्री लाइफ होती है, अगर हम लोग मोस्ट फोकस्डली मेजोरिटी अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं। और बिजनेस को इसलिए प्रिफर नहीं किया जाता है क्योंकि बिजनेस जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो होती है वो इंडिया में काफ़ी कम है। एक चीज़ जो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम का अच्छा नहीं है वो है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हम लोग का इंडिया में जो बिजनेस नॉलेज है, स्किल्स है, वो आपको ज़्यादा मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं सिखाती है ये स्किल्स होनी चाहिए। एंड ये हम लोग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से डिस्कस करते रहते हैं। हम लोग प्रोफेसर भी बोलता है कि हम लोग एजुकेशन सिस्टम में स्टिल ही इज़ अ प्रोफेसर, देन उसे ही क्रिटिसाइज दी
आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट डेफिनेटली होनी चाहिए. सो ये भी एक रीज़न है जहाँ पर बिजनेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है इंडिया में एज कम्पेयर टू जॉब, क्योंकि हम लोग एजुकेशन जैसे मान लीजिए चाइना है, राइट. सो चाइना में अगर आपको पता नहीं है तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बिजनेस स्किल्स जो होती है वो काफ़ी फोकस की जाती है वहाँ पर, काफ़ी उस वहाँ पर अच्छे सिखाई जाती है. सो यही कारण है कि चाइना में काफ़ी सारे न्यू बिजनेसमैन होती क्रिएट होती जा रही है. सो अगर मेरे को नहीं पता कि ये वीडियो कितना दूर रीच होने वाली है, अगर कोई भी देख रहा है वीडियो को, कोई हायर अथॉरिटी अगर इस वीडियो को इन चांस अगर देखने का मौका मिला या देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट डालिए, काफ़ी अच्छी है. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक कीजिए. अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आने से प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए. खुदा हाफिज.